जय हिंद। मैं आदित्य भूषण पांडे। मैं रज्ञा पांडे। आज हम आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। आओ सब मिलकर झूमे गाएं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। हमारे देश भारत को बड़े ही संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। हमें यह आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। असंख्य देश प्रेमियों के बलिदानों के बाद हमें यह आजादी नसीब हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और मंगल पांडे जैसे कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। 1857 की सिपाही विद्रोह हो या 1930 की दांडी मार्च, हमारे क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। अतः यह आजादी देशवासियों के लिए बहुमूल्य है। आज 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं। इस बहुमूल्य आजादी के 75वें वर्षगांठ के उत्सव का नाम है आजादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के साबरमती आश्रम में अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी और कहा था कि राष्ट्र का गौरव तभी जागृत होता है जब हम अपने स्वाभिमान और बलिदान को याद करते हैं और उसे अगली पीढ़ी को भी बताते हैं। आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।